It's not the same story which is continued. It's a series, you can call. Like, there are few characters who come in and go, and it's much more fun and much more witty than the earlier one. This is a song we are shooting in the film, which is comes in the second half of the film, and it's like I wanted to do a novel song. You know, the biggest thing in the film will be this song. मेरे गाने में एक साइन होता है, वो साइन मोमेंट पर, लेकिन ये गाना फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि एक जगह डांस चल रहा है, एक जगह एक्शन चल रहा है, पूरे फ्रेम में डांस के साथ पीछे फाइटर्स उड़ रहे हैं और गाड़ियाँ उड़ रही है, ऐसा कुछ गाना टू माई पार्ट वन। सिर्फ इसमें कोई ट्रांसलेट करने वाला नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि बाकी जो कैरेक्टर्स है वो समझते नहीं है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑडियंस समझेगी क्योंकि स्क्रीन प्ले में उनको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स नहीं समझते हैं और इसलिए काफ़ी ह्यूमर पैदा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मेरे लिए और चैलेंजिंग है इस बार। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फैंटेसी सॉन्ग, क्योंकि काफ़ी ब्लास्टिंग, फायरिंग, रनिंग अराउंड, चेसिंग, डांसिंग होगा। हम अपने अपने कैरेक्टर के बाहर अलग अलग लुक्स में हैं इस गाने में, सारे लड़के और लड़कियां दोनों, और ऐसे कि दो टीम्स बन गए हैं। और कहानी से ताल्लुक़ तो रखता है ये गाना, लेकिन लुक और फील बिल्कुल ही लार्ज देन लाइफ है। This guy who works for Ajay in his company and who's a innocent crook actually. Innocent है, honest intentions है, लेकिन थोड़ा सा शैतान है, थोड़ा naughty है, तो अपने फ़ायदे के लिए कभी कभी थोड़ी ज़्यादा शैतानी कर सकता है वो वैसे। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.